नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ प्रवीण शर्मा। यूपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलक ने रामपुर से सपा सांसद आजम खान के बयान पर पलटवार किया है। आजम खान पर हो रही कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने नहीं बल्कि जनता आजम खान के अत्याचार से पीड़ित हो चुकी है और इसी के चलते पीड़ित लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, लेकिन ये मुकदमे कितने सही हैं इसकी जाँच फिलहाल प्रशासन कर रहा है और अगर ये मुकदमे सही हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। आजम खान की बहन की अचानक से उनके घर से उठाने के सवाल पर राज्य मंत्री ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, मेरी जानकारी में यह नहीं है और मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था। आने वाले उपचुनाव पर राज्य मंत्री ने कहा, उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। बता दें, राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने रामपुर में ओलक गेस्ट हाउस में जनता से रूबरू होते हुए कहा, जहां उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। रामपुर तो मतलब ये हमारी पीलीभीत में एक एनजीओ का प्रोग्राम, इसीलिए मैं जा रहा था। यहाँ लोगों ने स्वागत के लिए रुक दिया है, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं रखा है, लेकिन रामपुर ही शहर मतलब पूरे देश भर में बहुत बड़ा फेमस है स्थल है। यहाँ से जयाप्रदा भी शंकर आई थी, आजम खान भी शंकर आई है और ये रामपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र मतलब हमेशा चर्चा में रहा है। ये थी रामपुर से हमारे संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर के साथ।